ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 20% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਕੋਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਕੇ ਬਿੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਪੀ ਲੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। कसूर की पावर लूम इंडस्ट्री आज ज़बूहाली का शिकार और फाका कशी पर मजबूर हो चुकी है। एक दौर था जब पंजाब के बड़े अजला इंडस्ट्रियल एरिया फैसलाबाद और मुल्तान के बाद कसूर की पावर लूम इंडस्ट्री को फेमस तस्वर किया जाता था, लेकिन आज बदकिस्मती से कसूर में सिर्फ 20% पावर लूम इंडस्ट्री काम कर रही है, जबकि 80% पावर लूम इंडस्ट्री के मालकान अपनी पावर लूम्स बेच चुके हैं। एक वक्त था जब पावर लूम इंडस्ट्री के साथ लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता था, लेकिन आज पावर लूम इंडस्ट्री के साथ चंद हज़ार अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। महंगाई, पावर लूम इंडस्ट्री का मटेरियल और बिजली के ज़ायद बिलों, बेजा टैक्सेस की वजह से पावर लूम्स मालकान और मजदूर तबका इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार है। अगर हुकूमत पावर लूम इंडस्ट्री को बिजली के बिलों पर सब्सिडी दे और बिजली की कीमतों को कम करे तो पावर लूम इंडस्ट्री को बहरानों से निकलकर एक दफ़ा फिर खुशहाली की राह पर गामजन हो सकती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार अशरफ वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम नीर अहमद मियां निसीमोनी के साथ कसूर में एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने कसूर में एक बड़ा नाम, ताजो बरादरी के हवाले से बड़ा नाम पैदा किया। बेडशीट खेस अंदरून लोरी गेट कसूर के प्रेजिडेंट व साबिक चेयरमैन मजहबी अमूरा कमेटी दरबार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सेठ मोहम्मद अकरम इंसारी साहब आज हमारे गुलिस्तान न्यूज़ के मेहमान हैं, हम इनको वेलकम कहते हैं। सेठ मोहम्मद अकरम साहब इंसारी साहब का एक नाम है ताजर बरादरी में, पावर लूम इंडस्ट्री के वाले से एक बहुत बड़ा नाम है। पावर लूम इंडस्ट्री कसूर में एक ऐसा दौर था पंजाब भर में कि पावर लूम इंडस्ट्री टॉप ऑफ द बेस्ट तस्वर की जाती थी पंजाब में मुल्तान फैसलाबाद के बाद, लेकिन आज हालात डिफरेंट है। क्या वजह है, क्यों ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, पावर लूम इंडस्ट्री क्यों ज़बूहाली का शिकार है, क्यों लोगों ने पावर लूम अपनी बेच दी है, इसी वाले से हम सेठ अकरम साहब से बात करेंगे कि वो उनसे उनकी बात सुनेंगे, वो बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, पावर लूम इंडस्ट्री क्यों ज़बूहाली का शिकार हुई, इस वाले से हम सेठ अकरम साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सेठ साहब बताइएगा कि पावर लूम इंडस्ट्री एक पंजाब भर में बड़ा एक नाम था कसूर का मुल्तान फैसलाबाद के बाद, आज पावर लूम इंडस्ट्री ज़बूहाली का शिकार है, इसकी मेन वजह क्या बनी कि कसूर में अब चंद ही पावर लूम्स लोग चंद परसेंट 20% काम जो लोग पावर लूम का कर रहे हैं, बाकी छोड़ के दूसरे कारोबार के साथ अटैच हो गए। पावर लूम इंडस्ट्री को महंगाई ले डूबी है, महंगाई की वजह से बिजली महंगी है, सूत्र महंगा है, इसके रिलेटेड मामला हैं जो भी बिजली के स्पेयर पार्ट के वो दूसरे जो भी काम शाम हैं पावर लूम में इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन 4-5 गुना बढ़ गए हैं। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी वो 1000 के करीब चले गई है, बड़ी ज़्यादा महंगाई है। और दूसरा है कि ये इतनी ज़्यादा बिजली महंगी है कि इसकी कॉस्ट ही इतनी बढ़ जाती है कि ये बात सेल नहीं होती, इसी वजह से पावर लूम को ये दिन ब दिन बहरान का शिकार हो रही है। जितनी भी किसी की पावरें थी वो तो या तो टूट जा रही हैं या सेल हो रही हैं। बाकी कसूर शहर में तो तकरीबन ये 20-30% कारोबार रह गया है, बाकी जिन लोगों का काम था उन्होंने ये काम छोड़ दिया है, अपनी पावरों वगैरह को तोड़ फोड़ कर बेच दिया है। आप कितने अरसे से पावर लूम इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं और आप माशाल्लाह खेस बेडशीट खेस लोरी गेट के प्रेजिडेंट भी हैं? मैं तो 30-35 साल से बेडशीट खेस वगैरह के साथ रिलेटेड हूँ, सारी ज़िंदगी बड़ों ने भी हमने भी यही काम किया है। तो ये जो लाहौरी गेट है ये बेडशीट खेस बेडशीट वगैरह की मार्केट है जिसमें तकरीबन यही काम चलता है। आज से 4 साल पहले तो काम ठीक था, दिन ब दिन महंगाई की वजह से और गरीब आदमी पिसा हुआ है जिसने जिसकी परचेज ही ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में फिर तकरीबन 80% लोग तो वैसे मजदूर तबका गरीब आदमी है जिनकी ये वैसे जिनका यही है सेल होती नहीं कोई, वहाँ उनसे परचेज ही नहीं होती, तो काम ब्लॉक हो गए हैं, सारे काम बंद हैं, बंद नहीं तो स्लो चल रहे हैं, बस ऐसा ही है। कैसे पावर लूम इंडस्ट्री को दोबारा बेहतर किया जा सकता है, वो कौन सी पॉलिसियां हैं अगर गवर्नमेंट आपको वो
फैसिलिटीज़ दे तो आप समझते हैं कि बावलू डस्सी एक दफ़ा फिर बेहतर हो सकती है। इसमें सबसे पहले तो बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिले, बिजली के बिल कम हो जाएं, बहुत ज़्यादा बिल हैं, जिसका आज से 3 साल पहले बिल 1 लाख था उसका 4 लाख आ रहा है, 5 लाख आ रहा है, वो सारी कॉस्ट उसमें पड़ती है, कपड़े पे कपड़ा बिकता नहीं। पाकिस्तान में बिजली बहुत ज़्यादा है, बिजली में सबसे पहले रिलीफ मिले और उसके बाद ये फाइबर वगैरह जो बाहर से मामला होते हैं ये रहे तो, टेक्सटाइल के लिए काटन का मामला है वो रहे तो, कुछ रिलीफ मिले तो काम बढ़ेगा, वरना ये डेड हो जाएगा सारा मामला, ये ख़त्म हो जाएगा। अब आखिर पर गवर्नमेंट से हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करेंगे पावल इंडस्ट्री को बेहतर करने का? पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा तो कोई भी नहीं कर सकता, हम गुजारिश करते हैं कि बिजली का कुछ कर दें, कुछ ना कुछ करते हैं, जो पावर सेक्टर में बिजली है ना, जो पावर लूम सेक्टर में बिजली है उसके साथ कुछ मदद करें तो शायद काम चल जाए, वरना ये डेड हो जाएगा, बस अब नज़र नहीं आता, कुछ अर्सा चलेगा फिर ख़त्म हो जाएगा। बस आप भी गुजारिश करें हुकूमत के नुमाइंदगान को कि कुछ अल्लाह करें इनको रहम आ जाए। बहुत शुक्रिया जी, हमारी तरफ से आप कह दें। ओके जी नाज़रीन, ये थे शेठ मोहम्मद अकरम इंसारी साहब, बड़ी प्यारी शख्सियत, बड़ी प्यारी गुफ्तगू की, और सब 35 साल से वो पावर लूम इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं। जो इस वक्त सिचुएशन है पावर लूम इंडस्ट्री की कसूर में, 80% लोग पावर लूम इंडस्ट्री को छोड़ कर चले गए हैं, अपनी पावर लूम्स बेच दी हैं, 20% लोग रह गए। एक दौर था कि लाखों अफराद पावर लूम इंडस्ट्री के साथ अटैच थे, मजदूर तबका भी था, मालकान भी थे, लेकिन आज कसूर की बदकिस्मती कि 20% सिर्फ लोग, चंद हज़ार लोग पावर लूम इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, वो भी बड़ी ज़हनी डिप्रेशन के साथ, क्योंकि मेन वजह बिजली के ज़्यादा बिल, बिजली के बिजली टैक्सीज और जो मटीरियल है वो भी महंगा होने की वजह से। पावर लूम इंडस्ट्री को अगर गवर्नमेंट इनको सब्सिडी बिजली के बिलों पर दे, बीजा टैक्सी को ख़त्म करे, तो कोई वजह नहीं पावर लूम इंडस्ट्री एक दफ़ा फिर दोबारा बेहती की तरफ आ सकती है। लेकिन शेर अकरम साहब इंसारी साहब का यही कहना था कि गवर्नमेंट से यही पुरजोर मुतालबा है कि हम खुदारा पावर लूम इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए हमें बिजली के बिलों पर सब्सिडी दी जाए, बिजली के रेट कम किए जाएँ, ताकि हम पावर लूम इंडस्ट्री को सुकून के साथ चला सकें। जो पावर लूम इंडस्ट्री के साथ मजदूर तबका हमारे साथ वाबस्ता है, वो भी सुकून के साथ अपने बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके, क्योंकि इस वक्त महंगाई अपने अरूज पर है, 2 वक्त की रोटी खिलाना बड़ा मुश्किल हो गया चुका है। मजदूर तबका तो जहरी बात है, सफ़ेद पोश तबका फिसा हुआ है, लेकिन पावर लूम इंडस्ट्री के जो मालकान है वो भी जहनी डिप्रेशन का शिकार है, वो भी अपने आप को पुरसकून नहीं समझते, वो भी समझते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं महंगाई ने जो उनको भी डिस्टर्ब कर दिया है, हुकूमत इस वाले से फौरी नोटिस ले। उम्मीद है कि शेठ अकरम इंसारी साहब की आपको गुफ्तगू बातें पसंद आई होगी, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी अगर ज़िंदगी ने नेक्स्ट मौका दिया तो इंशाल्लाह शेठ अकरम इंसारी साहब को अपने चैनल पर दोबारा लेकर आऊँगा, इनकी प्यारी गुफ्तगू से आपको मुस्तफ़ीद करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।